शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहुंचे जदयू नेता नरेंद्र पटेल के घर। बिहार सरकार के अपनी वर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, MLC खालिद अनवर, पूर्व विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन, जदयू के प्रदेश सचिव नरेंद्र पटेल के शिवहर स्थित घर पहुंचने पर बहुत स्वागत किया गया। फूल माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिवहर लोकसभा चुनाव में जदयू कोटा को मिला है। हमारे प्रत्याशी लवली आनंद हैं, उन्हें जीत सुनिश्चित कराने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में आज शामिल होने आए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि होली के दिन विशेष ट्रेनिंग के कारण शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी गई। शिक्षा में नई क्रांति आई है, छुट्टी को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जदयू प्रदेश सचिव नरेंद्र पटेल ने स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिवहर सीट मिलेगी, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मौके पर जदयू जिला अध्यक्ष कमलेश पांडे, लोजपा जिला अध्यक्ष विजय कुमार पांडे, महबूब आलम, मनोज कुमार शाह, राजीव यादव, वीरेंद्र शाह, खालिकुर रहमान सहित अन्य मौजूद थे। जो यहाँ पर NDA द्वारा समर्थित जदयू की प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद जी को हम लोग सपोर्ट देने आए हैं, और पहली एक अहम बैठक है, जिला के अध्यक्ष जी भी हैं, और हम लोग सभी मिल करके, सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, जो घटक दल हैं, सभी लोग मिल करके हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जदयू की प्रत्याशी की जीत। सर, शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति लाई गई है, होली के दिन भी छुट्टी नहीं हुआ, उस पर बताया जा सकता है? देखिए, कुछ उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। कुल मिला के लगभग 6 लाख टीचर हैं, और जो हम लोगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था है वो करीब 15,000 के करीब सभी जिलों को मिला करके है, और रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती है, यानी आवासीय ट्रेनिंग, और पुलिस महकमे में भी ट्रेनिंग जारी थी, बीपार्ड में भी ट्रेनिंग जारी थी, और SCERT जहाँ कमीशन के द्वारा चुने गए टीचर थे उनकी ट्रेनिंग जारी थी, बीपार्ड में BSPs की, डिप्टी कलेक्टर्स की ट्रेनिंग जारी थी। तो करीब 6 लाख में से मात्र 12-13 हज़ार शिक्षकों की ट्रेनिंग थी, और आप समझते हैं कि अगर 6 लाख टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है तो एक एक सप्ताह की ट्रेनिंग करनी है, और ये लगातार अनवरत चलनी होगी, तभी जाके सभी शिक्षक। सर, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे राष्ट्रीय छुट्टी पर सर पहले शिक्षकों को हनन किया गया है? ये बिल्कुल कहना गलत है। होली के दिन या ईद के दिन या बकरीद के दिन या और ऐसे त्यौहारों पर या 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग नहीं होती है। ऐसी बात यह है कि उन दिनों ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो जो सप्ताह निर्धारित है, हम लोग भी पुलिस बैकग्राउंड से आते हैं, और वह किसी चीज़ का हनन का प्रश्न नहीं है, सवाल